शुक्रवार को जज ने छात्रा से मुलाकात भी की थी और यह भी कहा जा सकता है कि चिन्मयानंद की फिलहाल मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2 बजे सुनवाई होगी, क्या कुछ होगा सबकी निगाहें जरूर होंगी क्योंकि काफी ज्यादा विवाद में रहा है ये पूरा केस। शुक्रवार को जज ने छात्रा से मुलाकात भी की थी। अभी खबर पर हमारे सहयोगी अवैध जुड़ चुके हैं सीधे। अवैध, चिन्मयानंद केस पर आज सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे के आसपास, क्या तैयारियां हैं चिन्मयानंद के वकील की तरफ से अभी तक? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे के आसपास सुनवाई होगी। शुक्रवार को जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि जो पीड़िता लड़की राजस्थान से बरामद की गई उसको सुप्रीम कोर्ट लाया जाए और जज उनसे मुलाकात करना चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं। उसके बाद फिर देर शाम 6-6:30 बजे के आसपास वो लड़की पीड़िता जो है वो सुप्रीम कोर्ट लाई जाती है और कोर्ट रूम में इन चैम्बर जजों ने मुलाकात की, बातचीत की। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़की जो है वो दिल्ली में ही रहना चाहती है और दिल्ली में ही माँ बाप से मुलाकात करना चाहती है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में एक हॉस्टल में उसके रहने का प्रबंध करा और दिल्ली से पुलिस को ये आदेश दिया। बहुत बहुत शुक्रिया वैसे तमाम जानकारियों के लिए।